हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो अभी सुबह सुबह, मतलब ज़्यादा सुबह का टाइम नहीं है, मैं आ चुकी हूँ अपनी जॉब से। तो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ फटाफट से। और ब्रेकफास्ट तो सुबह होता है, लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि सुबह से इतना जल्दी हो नहीं पाता है, सिर्फ चाय ही पी पाते हैं। और सुबह के जो मेरे रोज़ के रूटीन के जो काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चली जाती हूँ। और अभी आई हूँ तो 10:30 बज जाते हैं और नाश्ता करते करते 11 बज ही जाते हैं। तो बस अभी मैं फटाफट से सैंडविच बना रही हूँ। और आज मतलब था तो बनाने को कुछ भी, पर आज मुझे सैंडविच ही खाना था हम लोगों को, क्योंकि तेल का डेली खाते हैं ना तो फिर अच्छा भी नहीं होता। तो मैं कुछ अलग सा बना रही हूँ। और कुछ लोगों ने गैस भी किया है कि मैं अलग अलग नाश्ता बनाती हूँ, तो मेरी आदत ही है, हम लोग एक तरह का नाश्ता डेली नहीं करते। कुछ अलग अलग होना चाहिए, हल्का फुल्का, कुछ अच्छा चटपटा, सभी प्रकार का। तो मैं खाने के लिए तो मैं कुकिंग में मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, शौकीन, तो मैं बनाती रहती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैं ऐसे ही वेजिटेबल वाले, ऐसे ही सिंपल वाले सैंडविच बना रही हूँ आज। प्याज और टमाटर काट के, और खीरा था नहीं तो वो नहीं डाला, सिर्फ प्याज और टमाटर डाला है। और जो चटनी बनाकर रखी थी ना, तो वो अभी थोड़ी सी और है, तो वो बस वही लगा रही हूँ मैं, धनिया पुदीने की। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा कर सेक लूँगी। तो बस इतना ही बनाऊंगी अभी और फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। और कुछ लोगों ने मुझसे रेसिपी पूछी है, तो शकरकंदी की जो रेसिपी है तो वो पूछी है। तो शकरकंदी तो इस समय आती नहीं है शायद, मतलब आती तो नहीं है, मैंने देखा है। जहाँ तक जो नवरात्रि के टाइम होता है ना, तभी शकरकंद आते हैं। तो उसकी रेसिपी मैंने वैसे भी अपनी वीडियो पे डाली है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लेकिन जब आएंगी ना शकरकंदी, अगर मुझे मिल गई तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। उसकी भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनती है, उसकी भी मीठा रहता है ना वो, मतलब शकरकंद जो सकला होता है ना, हमारे यहाँ सकला बोला जाता है, तो वो तो उसकी भी रेसिपी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर बातें करते करते मेरे सारे सैंडविच तैयार हो गए हैं, और जो बच्चा है थोड़ा बहुत बच गया था तो वो मैं रख दूँगी, तो किसी भी सब्जी में डाल दूँगी शाम को। तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ मॉर्निंग का ही जो रूटीन है ब्रेकफास्ट, बस वही शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा सा क्लिप शाम का भी रहेगा, जो कार्तिक की थोड़ी सी मतलब जो किया है ना उसने, तो वो मैं आप लोगों को शाम को ही बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहें मेरे चैनल को, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग और बताया करें थोड़ा बहुत, और मुझसे क्या गलतियां या जो भी, क्योंकि आप लोगों से ही तो मैं सीखूँगी ना, अगर आप लोग भी बताएँगे तो। तो बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मुझे बताते रहिए।
तो चलिए यहाँ पर मेरे सारे सैंडविच तैयार हो गए। और कैसे लगे आप लोगों को सैंडविच ज़रूर बताना। ज़्यादा हेल्दी नहीं है, अच्छे हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, ज़्यादा हैवी वाले भी नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता करेंगे। और किसी ने पूछा था गार्डन का, तो मतलब मेरी गार्डन और पहले जैसी तो मेरी गार्डन बिल्कुल नहीं रह गई है, क्योंकि इस तरह की गार्डन हो गई है कि आप क्या बताएं। आप लोग तो देख ही रहेंगे, पहले बहुत अच्छी थी, हर जगह मेरे फूल और हर चीज़ लगे होते रहे, नीचे ज़मीन पर भी। और नीचे ज़मीन पर रहते थे और नीचे रखे हुए होते थे ना गमले, तो मैं उनकी बहुत अच्छे से देख रेख केयर कर पाती थी, क्योंकि नीचे ऐसा है कि अच्छा समय मिल जाता था पर ऊपर ना दिक्कत हो जाती है बार बार चढ़ने उतरने में पलंग पे, तो ज़्यादा उनकी देख रेख नहीं हो पाती है। और नीचे रखने को तो रख लूँगी पर उनको ना ज़्यादा धूप नहीं मिल पाएगी पेड़ पौधों को। जिस तरह से हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी बहुत धूप और हर चीज़ की उनको भी ज़रूरत होती है, तो उतनी ही केयर नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो मेरे पेड़ पौधे भी ख़राब होते जा रहे हैं और कुछ दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एक ही रूम है ना, तो फिर भी मैं बहुत एडजस्ट करके ही रह रही हूँ। थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से सामान को जमाना, सब यहाँ वहाँ अच्छे से ठीक ठाक से करके रखो ना, जिनका एक ही है वो तो समझ ही सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है, पर क्या करूँ, जो भी है सही है, क्या कर सकते हैं। तो बस थोड़ा बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ तो थोड़ा दिखता नहीं है आप लोगों को, नहीं तो बहुत ज़्यादा आधा तो सामान मेरा बाहर पड़ा रहता है, कहीं अंदर पड़ा रहता है। जिस समय बारिश होती है ना, बड़ी समस्या हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो फिर अंदर पूरा जगह नहीं रहती है खड़े होने को, तो कोई चीज़ मतलब गीली ना हो जाए उसको अंदर रखने के लिए फिर दिक्कत हो जाती है, तो ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ देखिए ब्रेकफास्ट भी हो गया है हमारा, और बस अब हम यहाँ मैं बता दे रही हूँ अभी लास्ट का ये थोड़ा सा क्लिप रहा। तो न्यू ईयर पार्टी हो चुकी थी, मतलब हैप्पी न्यू ईयर, तो बस वही कार्तिक के पता नहीं क्यों पेस्ट्री सी बिकने लगी है अभी हमारे यहाँ पर एक दुकान में, तो वो पेस्ट्री लाया था अभी करेंगे अपन नया साल मना रहा था, तो बस वही लेके आया है। तो बच्चों के यही काम होते हैं, कुछ भी चीज़ लाया और बस बोलता है हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। केक लाया हमारा कार्तिक, ये देख ₹5 रेट भी बता रहा है ₹5 का। चलो काट लिए, कट करें, अब किसको खिलाओगे? अरे मम्मा को कैसे नहीं मम्मी हमारा कार्तिक, अब कार्तिक को खिलाएंगे। पहले पापा का। पापा? पापा का जी वाला है। ये पापा के लिए रख दें। ये हम खाएं ना। ले लो तुम भी। एक पापा के लिए रख दो, है ना? रख दो। अरे कार्तिक का केक लेके आए और मेरी आनत अभी मैं तैयार, मतलब मैंने अभी काम ही किया है और मैं ऐसे ही बैठी हूँ, अभी चाय वाय पी रही थी ना, और कार्तिक ना पेस्ट्री लेके आया था, बोल रहा था हैप्पी न्यू ईयर मनाना है, तो उसने छोटा सा हैप्पी न्यू ईयर मना लिया है, है ना? सब लोगों ने मनाया कि नहीं मनाया पूछो, है ना? हमको भी बताना आप लोगों ने मनाया कि नहीं मनाया, आप लोगों ने बनाया कमेंट में बताना। पापा आ गए शायद, पापा को दे दो, पापा आ गए। तो कार्तिक का यही काम चलता रहता है, आपने देखा होगा छोटा छोटा कुछ ना कुछ करता रहता है, तो बस उसका तो क्या है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। कार्तिक रिमोट पकड़ो, लेकिन हम बच्चे नहीं। हाँ बच्चे नहीं है कार्तिक, बच्चे नहीं है आप। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, अभी तक मैंने बिंदी नहीं लगाई थी तो अब मैं बिंदी भी लगा के आ गई, क्योंकि कई कई बार ना वीडियो में मैं भूल जाती हूँ, तो फिर मैंने ध्यान दिया तो बिंदी लगा ली, क्योंकि अच्छी नहीं लगती बिना बिंदी का मतलब चेहरा। चलिए वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, बाय बाय।